एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा सा बैंक बैलेंस, पूरे जीवन हम लोग बैंक से लोन लेते रहते हैं, पहले पढ़ाई के लिए, फिर स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए, फिर गाड़ी के लिए, फिर घर के लिए, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर उनकी शादी के लिए, बीच में कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए पूरा जीवन लोन लेते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने बैंक को बोला ये पकड़ो यार 2 करोड़ रुपए एफडी रख लो तो मैं लोन देता हूं, ये सपने कैसे पूरे होंगे? इसमें से 90% सपने हैं वो पैसों से पूरे होंगे। अच्छा घर पैसों से आएगा, अच्छी गाड़ी पैसों से आएगी, घूमने फिरने आने वेकेशन पे जाना है, अभी गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, बच्चे बोलते बेटा पापा कहाँ लेके जाओगे, हम बोलते नानी घर पे, पता है पैसे लगने नहीं बल्कि पैसे आएंगे जाते हुए नानी घर चलते हैं। कभी ऐसे बच्चों बोला बेटा इस बार ना एक काम करते हैं, इस बार सिंगापुर चलते हैं, वो पासपोर्ट नहीं है। इस बार सिंगापुर चलते हैं, और घर में लड़ाई हो रही है, नहीं इस बार सिंगापुर, इस बार मलेशिया जाना है, वो कह रहे नहीं इस बार दुबई चलते हैं पापा, ऐसे घर में लड़ाई हो रही है। हमारे घर में लड़ाई क्यों होती है? कौन से ढाबे पे बाहर जाना है? ये सपने पॉसिबल हैं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये सपने 100% पॉसिबल है, केवल सोचने का नजरिया बदलना है, केवल सोच बदलनी है, सोच बदल देंगे जिंदगी बदल जा सकती है। सर आप अपने माइंडसेट को बदलना है, कैसे बदल सकते हैं माइंडसेट को? हम सबके ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? टाइम और पैसा चाहिए, पैसा चाहिए और टाइम चाहिए। जितना टाइम लगाएंगे उतना पैसा आएगा। आज हम नौकरी कर रहे हैं, दिन में 10 घंटे नौकरी करते हैं, 10 घंटे जाते हैं तो पैसा मिलता है, अगर 10 घंटे जाए 5 घंटे जाओगे तो पैसा मिलेगा पूरा, आधा मिलेगा। जितना टाइम लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे उतना पैसा मिलेगा। टारगेट पूरा नहीं तो बाहर निकाल देंगे, चलो वो तो और बातें, पर टाइम, कोई आदमी दुकान चला रहा है, हर रोज दुकान खोलोगे तभी ग्राहक आएगा, अगर आप दुकान नहीं खोलोगे आज तो क्या आज इनकम होगी? टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम लगाते जाओगे पैसा आता जाएगा। अब दिन में घंटे कितने हमारे पास? 24, और 24 घंटे में कितने घंटे हम काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कोई बहुत ही तगड़ा आदमी होगा 14 घंटे काम कर लेगा, पर क्या कोई आदमी 24 घंटे ज्यादा काम कर सकता है? घंटे तो 24 ही है, हेलो, घंटे 24 ही है। अब कैसा कैसा कुछ किया जाए कि हमारे घंटे भर जाए ताकि इनकम भर जाए, कुछ ऐसे फॉर्मूला आ जाए साथ में कि हमारे वर्किंग आवर्स भर जाए, 24 घंटे के 48 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, 5000 हो जाए, दिन के घंटे भर जाए ताकि हमारी आमदनी और इनकम भरेगी तो ड्रीम्स, समझ में आ रहा है? Yes. हमें अपने आवर्स को भराना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं बस, हमारे पास लिमिटेड आवर्स हैं 10 घंटे, उसमें हम काम कर रहे हैं, उतनी इनकम हम कमा रहे हैं जॉब से या बिजनेस से। दो ही तरीके पैसे कमाने के, या जॉब है या बिजनेस है, दोनों में क्या प्रॉब्लम्स हैं? कम से कम 15 से 20 साल की पढ़ाई चाहिए पहले, तो पढ़ा लिखा इंसान से या नौकरी करनी हो तो कम से कम अच्छी एजुकेशन आपको चाहिए। दूसरा चीज क्या है? 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए नौकरी करने के लिए। फिर क्या चाहिए आपको? ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए जॉब में, चलो पढ़ाई चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और फिर आपको एक लिमिटेड इनकम मिलती है और दिन में रोज 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। बिजनेस में क्या है? ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, खूब सारा पैसा चाहिए पहले तो। इन्वेस्टमेंट है तो क्या है? लॉस होने का डर है, रिस्क है बहुत बड़ा कि यार अगर ना काम चला तो पैसा सारा डूब जाएगा। फिर लंबे वर्किंग आवर्स हैं, काम चलाने के आदमी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करता है कि यार मेरा काम चल रहा है इस तरीके से। और फिर क्या है? बहुत सारे और स्ट्रेस हैं, बिजली का बिल है, खर्चे हैं जो मेंटेन करने, काम चलने चले, लेकिन आपके पक्के खर्चे तो फिक्स खर्चे तो वो तो है ही है, ऑफिस का रेंट है, बिजली के खर्चे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी है, ये फिक्स खर्चे हैं जो आपको देने ही है, और कोई गारंटी है कि काम चलेगा? नो।
नो हेलो नो कोई गारंटी नहीं है। और फिर भी वर्किंग आवर्स कितने हैं? 10 घंटे 12 घंटे। डायरेक्ट सेलिंग ये एक ऐसा बिजनेस पूरे वर्ल्ड ओवर शुरू हुआ आज से कई साल पहले, जिसमें एक आदमी अपने आवर्स वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा करके, अपने जैसे लोग पैदा करके, मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसको मैं दूसरी भाषा में समझाता हूं। मैकडॉनल्ड्स, सबने सुना नाम? मैकडॉनल्ड्स पहले एक खुला था अमेरिका के अंदर। जो उसका ओनर था, जो सोचा यार मैंने एक तो खोल लिया है, लेकिन एक से मेरे को एक लिमिटेड इनकम ही मिल सकती है, मैं कैसे अपनी इनकम को बढ़ाऊं? तो उसने क्या किया, फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। उसने एक के दो खोले, दो के पांच खोले, पांच के दस खोले, दस के बीस खोले। आज वर्ल्ड में उसके हजारों मैकडॉनल्ड्स हैं, हजारों। अगर उसके मान लेते हैं 5,000 मैकडॉनल्ड भी हैं और एक मैकडॉनल्ड 10 घंटे खुलता है, तो 5,000 × 10, एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? 50,000 घंटे। बात समझ में आ रही है? और हम कितना काम कर रहे हैं? 10 घंटे। कैसे हम अपने आप को डुप्लीकेट कर लें, कैसे हम अपना एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर लें कि हमारे आवर्स बढ़ जाए और हमारी आमदनी बढ़ जाए। हेलो, समझ में आ रही है? आवर्स बढ़ाने हैं, उसी के ऊपर ये एक नया बिजनेस मॉडल शुरू हुआ वर्ल्ड वाइड, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें होता क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है, पुराना जो सिस्टम है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। एक प्रोडक्ट हम बाजार से खरीदते हैं, वह कई हाथों में बढ़ते हुए हमारे पास पहुंचता है, कई हाथों बढ़ते हुए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, कई हाथों बढ़ते हुए हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचता है, 3 रुपए की चीज हमारे पास पहुंचते पहुंचते 10 रुपए की हो जाती है, क्योंकि बीच के मिडल मैन जो है पैसा कमा लेते हैं। इस मॉडल में क्या किया, इस मॉडल में क्या किया, बीच के जो लोग थे उनको हटा दिया। मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ जुड़ा, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर सीधा। और जो बीच का 40-50-60% पैसा जो बीच के लोग खा जाते थे, एडवर्टाइजमेंट में जाता था, वो पैसा बचा के उसे हमने कंज्यूमर को देना शुरू कर दिया कि आप ये पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? ये इंडस्ट्री कब शुरू हुई, 1886 में डायरेक्ट सेलिंग पैसा कमा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बन सकते, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। और इंडिया जो है वैसे भी यहाँ पे नौकरियों की कमी है, बिजनेसेस कमी है, तो यहाँ बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। और आज डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है इंडिया में बन चुकी है। 2017-18 में ये इंडस्ट्री 11,000 करोड़ का काम कर रही थी, आज ये रेशो बढ़ते बढ़ते 2021-22 के अंदर 19,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये इंडिया में बन चुकी है। और अभी इसकी बिगिनिंग है, अभी इसकी स्टार्टिंग है। आने वाले अभी इंडिया जो है वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 12वीं पोजिशन पे है, 19वीं पोजिशन से 12वीं पोजिशन पे आ गए हैं। लेकिन जो टॉप कंट्रीज हैं, जिसमें यूएसए है, चाइना है, जो टॉप कंट्रीज हैं, अभी इंडिया वहां नहीं पहुंच पाया। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या है इसमें वर्ल्ड की, अब तो हम चाइना को भी छोड़ गए हैं। कहते हैं हिंदुस्तानी जो है आधी है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे ज्यादा काम इंडिया में हो सकता है। यानी आने वाले जो 10 साल है इस इंडस्ट्री के, इंडिया में बहुत बेहतरीन है, गोल्डन एरा है आने वाले 10 साल। और इंडिया जो है 12वीं पोजिशन से टॉप 3 पोजिशन में आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप अब इंडिया में होना बाकी है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, सुई से लेके गाड़ी तक हर चीज इंडस्ट्री बिकती है। ज्यादातर इस इंडस्ट्री के अंदर वेलनेस के प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं, फूड आइटम्स बहुत बिकती है। यानी आप सुबह से रात तक जो भी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं वो सब हमारी कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर वो सब चीजें मिलती है। तो यहाँ जितने पंजाबी आए हुए हैं, हरियाणवी आए हुए हैं यहाँ पे, तो अगला जो 1 साल है हमने पंजाब हरियाणा को टॉप 5 में लेके आना है। तैयार हैं? राजस्थान, हेलो, जितने लोग आए थे राजस्थान यहाँ पे, तो आज की मीटिंग जो है राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये जो टॉप 10 पोजीशन है इसमें हमने लेके आना है। हेलो, नंबर 1 लाख लोग जो है इस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम। और कम से कम 5 करोड़ लोग इंडिया में पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। और कम से कम 25-30 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स बन चुके हैं। इतना बड़ा डेटाबेस हमारे पास, 84 लाख फुल टाइम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं।
तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये था इंडस्ट्री का आपको थोड़ा सा ग्लिम्स। मैं अब आपके बात करूंगा आईएमसी के बारे में। आईएमसी की कंपनी 2007 में शुरू हुई एक सोच के साथ इस सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जब ड्रग सेलिंग शुरू हुई तो बहुत सारी बाहर की कंपनियों ने यहाँ पे धावा बोला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में था नहीं, नया कॉन्सेप्ट था। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी चीजें बाहर के मुल्कों सीख रहे हैं। तो इंडिया में जब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो बाहर की कंपनियां बहुत सारी आ गई, अमेरिका से कंपनी आ गई, यूरोप से कंपनी आ गई यहाँ काम करने के लिए। और हमेशा की तरह इंडिया में होता गया कि बाहर के लोग आते हैं यहाँ पैसा कमाते हैं, पैसा सारा बाहर ले जाते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो यहाँ पे आई, अपना पूरा नेटवर्क क्रिएट किया और इंडिया को गुलाम बना लिया। उसी तरह इंडिया में ऐसा हो रहा था कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे आके अपना बिजनेस फैला रही थी। हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी, चाहूंगा एक बार खड़े होकर उनको तालियां बजाएं। यहाँ उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनका सामान सारा बिक रहा है और यहाँ सारा पैसा बाहर जा रहा है। उन्होंने मिशन लिया, एक टारगेट लिया कि नहीं इसको रोकना है और स्वदेशी प्रोडक्ट्स की भावना जो है हिंदुस्तान में जगानी है। और एक नारा बनाया, स्वदेशी अपनाए देश को बचाए, स्वदेशी प्रोडक्ट। और आज जाने खुशी होगी, हमने तो 2007 में बात बोली थी, आज से 16 साल पहले। अब जब मोदी सरकार आई, 10 साल पहले जब सरकार आई थी, उन्होंने आगे बोला कि नहीं, मेक इन इंडिया को प्रमोट कीजिए, हिंदुस्तान में स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। तो गवर्नमेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया कि यस, इस स्वदेशी भावना को आगे लेके जाना चाहिए। उसके साथ साथ आयुर्वेद, हमने 2007 में नारा बनाया कि आयुर्वेद अपनाए स्वस्थ जीवन पाए। तो उसके गवर्नमेंट ने भी, तो जब आई सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने भी बोला कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर भी आयुर्वेद के सेंटर खोल दिए। तो ये दो मिशन के साथ कंपनी ने काम शुरू किया, दो प्रोडक्ट के साथ कंपनी शुरू हुई। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, 5 मिनट की कंपनी की वीडियो है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड एलेक्सी ऑफ लाइफस्टाइल, ऐसे ही लाखों सपने संजोए एक सफल जिंदगी का ख्वाब लेकर जन्म लेने वाला हर आम इंसान एक संतुष्ट वो एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन गरीबी और मजबूरी की बेड़ियां उसे कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकती हैं। ऐसे में हर आम इंसान को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा ऐसे कार्य की तलाश रहती है जिसमें उसे एक अच्छी आमदन के साथ साथ स्वस्थ जीवन, मान सम्मान, समय की आजादी और सफलता भी मिले। ऐसे ही मिशन और विजन के साथ सन 2007 में सामने आई एक कंपनी जिसने आयुर्वेद को घर घर पहुंचाकर लोगों को स्वस्थ और सफल जिंदगी दी, और वह कंपनी है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी IMC। IMC इस कंपनी का उद्देश्य एलोपैथी के दौर में आयुर्वेद पद्धति का इस्तेमाल करके लोगों को स्वस्थ, समृद्ध व एक खुशहाल जिंदगी देना है। और इसकी शुरुआत मात्र 2 लोग, इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यम भाटिया जी द्वारा की गई। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड, IMC के हजारों आउटलेट्स एवं तहसील डिस्ट्रीब्यूटर्स और भारत के हर राज्य में IMC के स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं। 2007 में IMC बिजनेस की नींव मात्र 2 प्रोडक्ट्स, एलोवेरा जूस और प्रोटीन पाउडर के साथ रखी गई। आज IMC हर साल करोड़ों के टर्नओवर के साथ अपना विस्तार करती ही जा रही है। IMC ने आयुर्वेद पद्धति का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स कैटेगरी जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, बेबी केयर, फूड एंड बेवरेज, होम केयर, मर्चेंडाइज, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है। IMC के प्रोडक्ट्स अपनी शुद्धता व गुणवत्ता के साथ सभी क्वालिटी टेस्ट को पार करते हुए यह FSSAI हलाल, ISO 22000-9001, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP एवं गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस यानी GPP द्वारा भी प्रमाणित है। IMC के प्रोडक्ट्स का उत्पादन भारत के पवित्र गंगा नदी की गोद में बसे शहर हरिद्वार में अत्याधुनिक मशीनों, अनुभवी वैज्ञानिकों एवं तजुर्बेकार कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है।
इस बिजनेस को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए कंपनी द्वारा देश के कोने कोने में बेहद ही आधुनिक तरीके से हर दिन लाखों लोगों को डिजिटली कई तरह के बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग से लेकर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और मेगा इवेंट्स के द्वारा कई नामी हस्तियों ने भी आईएमसी की मुहिम हर घर आयुर्वेद को पहुंचाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाखों एसोसिएट्स के हौसले को बढ़ावा भी दिया। देश की विरासत यानी आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी को संभालने के साथ साथ आईएमसी लोगों को रोजगार को एक सफल जिंदगी तो देती ही है, साथ ही मानवता को ही अपना धर्म भी मानती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आईएमसी फाउंडेशन मानव सेवा करती आई है। हर जगह आईएमसी ने मानवता को ही अपना धर्म मानकर लोक सेवा को ही प्राथमिकता दी है। बड़े ही गर्व की बात है कि आज आईएमसी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज फिक्की और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आईडीएसए की सदस्य भी है। आईएमसी कई रिकॉर्ड्स कायम करने के साथ साथ कई अवार्ड्स जैसे कि भारत गौरव पुरस्कार, नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड, नेशनल अचीवमेंट अवार्ड, ऑनरेबल अवार्ड्स और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अपने विज्ञान आयुर्वेद, लाखों बिजनेस एसोसिएट्स, हजारों प्रोडक्ट्स आउटलेट्स, सैकड़ों कार्यकर्ता और एक बेहतरीन मैनेजमेंट मिलकर बनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी आईएमसी। हमारे इंडिया में तो अभी ये नेटवर्क बिजनेस शुरू हुआ है, मलेशिया में 70 साल पहले शुरू हुआ था, 70 इयर्स बैक। और ये बिजनेस हम लोग कहते हैं ये बिजनेस जनरेशन का बिजनेस है, वास्तव में ये जनरेशन का बिजनेस है। मुझे हम लोग सुनते थे, मैं अपने फादर से सुनता था कि सर पापा मुझे बताते थे कि बेटा ये जनरेशन का बिजनेस है, उनका विजन था इतना बड़ा। और मैं जब मलेशिया गया मेरे को वहां पे लोग मिले, कई कंपनियों को मुझे लोग मिले, तो मैंने उनसे पूछा तुम कब से बिजनेस कर रहे हो, कहते मुझे हो गए 10 साल हो गए मानो से मुझे बोला, तो मैं कहा 10 साल पहले हमने काम शुरू, बड़े सक्सेसफुल आप हो चुके हैं। कहते मेरे काम में दादाजी ने शुरू किया था, 70 साल पहले काम शुरू किया था, फिर मेरे पिताजी ने शुरू किया, पिताजी के बाद मैंने वो बिजनेस संभाल लिया। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए बिल्ड कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो। कई लोग सोचते हैं यार मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मैं तो 2-4-10 महीनों में पैसा इतना आ जाएगा कि मैं इतना अमीर बन जाऊं, या फिर सोचते हैं कि ये कोई क्विक मनी स्कीम है, शायद एक महीने में या एक साल में बिजनेस खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये बिजनेस बहुत लंबा है, तो एक ऐसी आप फाउंडेशन बनाएंगे इस बिजनेस की, ऐसी नींव बनाएंगे जो आपको आपके आने वाली जनरेशन तक को फीड करने वाली है, तो उस माइंडसेट से आपके बिजनेस को बिल्ड करना है। ये कंपनी के कुछ मैं पिक्चर दिखा रहा हूं आपको, ये कंपनी के हेड ऑफिस जहां पे आप आए हुए हैं, ये कंपनी का वेयर हाउस है हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार में सबसे बड़ा वेयर हाउस हमारी कंपनी का, 3 लाख स्क्वायर फीट का ये ब्यूटीफुल वेयर हाउस हमने बनाया है। लोग हरिद्वार जाके वेयर हाउस देख चुके हैं, अरे बाप रे मुझे बोले जूती नहीं है, तालियां मुझे दस के लिए पहले से। ये कंपनी की फैक्ट्री है जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी आईडीएसए फिक्की की मेंबर है, इंडियन ड्रग सेलिंग एसोसिएशन की कंपनी प्राउड मेंबर है। बड़े सालों से हम आईडीएसए मिलके गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं। आईएमसी आज सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, लुधियाना से ये कंपनी शुरू हुई, आज आप लोगों के कारण ये भारतवर्ष में हर कोने में पहुंच चुकी है। पूरे इंडिया में हमारी कंपनी के ऑफिस हैं, हर गांव गांव कस्बे कस्बे के अंदर हमारी कंपनी के आउटलेट्स खुल चुके हैं। पूरे इंडिया में लाखों लोग लाखों परिवार जो है हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे अवार्ड्स आपने देखे कि हमारी कंपनी को मिल चुके थे इतने सालों के अंदर। अवार्ड्स के साथ साथ बहुत बड़ा ऑनर था हमारी कंपनी की फाउंडर डॉक्टर श्री अशोक भाटिया, उनके नाम पे स्टैंप जो है उनकी फोटो के साथ स्टैंप बन के आई। ये बहुत बड़ा ऑनर था कंपनी के लिए जो मार्केट में आई स्टैंप। गिनीज बुक ऑफ सॉरी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बहुत सारे अवार्ड्स कंपनी जीत चुकी है। और आपको जाने खुशी होगी अभी तक बाहर की कंपनियां इंडिया में आके हमें आके यहां से पैसा कमा के जा रही थी। आईएमसी इंडिया की पहली ड्रग सेलिंग कंपनी, फर्स्ट ड्रग सेलिंग कंपनी जिसने मलेशिया के अंदर अपने काम शुरू किया। मलेशिया के अंदर हमारी कंपनी काम शुरू कर चुकी है। ये हमारी कंपनी के मलेशिया के सर्टिफिकेट्स हैं, वहां का लाइसेंस है जो हमें मिला है। इंडिया में जैसे हम लोग काम कर रहे थे सालों से, मलेशिया में प्रॉपर लॉ बना हुआ है, वहां पे गवर्नमेंट जो है आपकी इंटरव्यू लेती है। मैं वहां पे 6 बार गया मलेशिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल से। इंडिया जो कंपनी जो है ग्लोबल हो चुकी है, जिस तरह से मलेशिया में काम शुरू हो चुका है, ये आने वाले सालों के अंदर हम लोग थाईलैंड आने वाले 5-7 सालों में सारा कवर करने वाले हैं। तो आप जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं,
हमारी कंपनी ग्लोबल में कई सारे कंट्रीज में टाइम पे काम कर रही है। आप जैसी कंपनी आपको भी अलाउ करती है कि आप इंडिया के साथ साथ बाहर के मुल्कों में भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं। क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल अचीव करने के बाद आपको कंपनी अलाउ कर रही है कि बाहर जाके भी काम करें और बाहर भी अपने नेटवर्क जो है वो फैलाएं। बैकबोन क्या है हमारी कंपनी की, वो है हमारे प्रोडक्ट्स। हमारी कंपनी का एक मिशन था, मिशन क्या था, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कंज्यूमेबल हों, रिपीटेबल हों और अफोर्डेबल हों। कोविड आया, सबको पता है कोविड में सब लोग घर बैठ गए थे, सारी इंडस्ट्री जो थी बंद हो गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी, सब कुछ बंद होने के बावजूद भी केवल एक धंधा चल रहा था, वो था ड्रग सेलिंग, IMC बिजनेस। क्योंकि जब तक जिंदगी है, लोग हैं, कोई ऐसा आदमी है कि घर में बहुत दुविधा आ रही है, प्रलय आ गया, फिर भी क्या खाना बंद कर देंगे, क्या नहाना बंद कर देंगे, क्या टूथपेस्ट करना बंद कर देंगे? कंज्यूमेबल ऐसे प्रोडक्ट्स जो लगातार इस्तेमाल होने हैं, बंद ही नहीं होने हैं, कुछ भी हो जाए, प्रलय भी आ जाए तब भी ये सामान जो है इस्तेमाल होना ही होना है। मोबाइल फोन मोटरोला का क्या था, उसको पेजर, पेजर सुना है, आता है अभी, पेजर आता है क्या, खत्म हो गया। तो जितने लोग पेजर का काम करते थे सब लोग आमदनी डबल हो रही थी, दुगनी हो रही थी, चेक डबल डबल बन के आ रहे थे। तो ये कैसी इंडस्ट्री है, IMC जो प्रोडक्ट्स हैं ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट इन क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास इंग्रीडियंट्स हम यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और 100% ये सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा R&D टीम है, डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की, जो इस पे लगातार काम करती रहती है, हर साल हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं और इस पे लगातार हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लाते हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की हो, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की हो, अफोर्डेबल प्राइसेस में हो और जो इंसान को ठीक करे, उनको स्वस्थ बनाए और आगे लेके जाए। और इतने सालों से हमने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिकते नहीं है, बहुत सारी कंपनियों का ऐसा माल होता है जो घर पे लोग ले आते हैं, बाद में उसकी सेल नहीं होती है। IMC के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप घर पे आउटलेट खोल लीजिए, कहीं कैनोपी लगा लीजिए, बिना पूछे लोग घराघर माल जो है वो खरीद लेते हैं, उनको यूज करते हैं। आज तक हमारी कंपनी में एक भी, हमने 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी दी हुई है कि आप प्रोडक्ट का पसंद नहीं आता प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, ये कंपनी गारंटी कर रही है। आप सोचिए 16 साल के अंदर, मैं ये मेरे को खुशी हो रही बताते हुए, एक भी ऐसा बार ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ किसी ने बोला कि अपना प्रोडक्ट वापस ले लीजिए। 100% हम लोग हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, जिसमें जूसेस हो गए, सिरप्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, एक्सट्रैक्ट्स हो गए, प्रोटीन पाउडर्स हो गए, मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, ये हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंदर काम कर रहे हैं। स्किन केयर के अंदर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स करते हैं, क्रीम्स हो गई, सोप्स हो गए, स्क्रब्स हो गए, मास्क हो गए, ये सब चीजें हम लेके आते हैं। उसके बाद पर्सनल केयर के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाते हैं, जैसे शैम्पूस हो गए, हेयर ऑयल हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, टूथपेस्ट हो गई, ये सब प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना रही है। फूड के अंदर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें मसाले हो गए, घी हो गया, नमक हो गया, अचार हो गए, जैम हो गई, कॉफी टी हो गई, टोमेटो केचप हो गई, इस तरह के जो घर में रोज बना के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो सब हम लोग बनाते हैं। उसके अलावा होम केयर प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें डिटर्जेंट्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, ये सब प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना रही है। बेबी केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है, बच्चों के, छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसके लिए 5 साल की उम्र तक के जो उसके प्रोडक्ट यूज होते हैं वो हमारी कंपनी बनाती है। उसके अलावा वेटनरी और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, जो एग्रीकल्चर और वेटनरी के अंदर आते हैं। गारमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी तरह की हमारी किताबें आती हैं, टूल्स आती हैं, सिक्सेस आती हैं। तो एक बहुत बड़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी की जो हम बना रहे हैं। लगभग 250 से ऊपर प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हमारे इस महीने जून के अंदर लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसमें हम बेबी केयर के अंदर हम लोग टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं, बच्चों को टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर हमारे 4 नए प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर लाइन के अंदर आ रहे हैं, फ्लावर केयर, प्लांट केयर, सीड केयर और ग्रोथ प्रमोटर ग्रैन्यूल्स। उसके अलावा वेटनरी के अंदर हमारा लिवर टॉनिक आ रहा है जो पशुओं के लिवर को स्वस्थ रखेगा और चीज की सेहत को देगा ताकि और अच्छा यील्ड दे सके। उसके अलावा हमारे न्यूट्रिशन हेल्थ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एंटासिड सिरप लेके आ रहे हैं, लंग्स के लिए सिरप लेके आ रहे हैं, अनुटाइला जो है नाक के लिए, आपके पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको ठीक करने लेके आ रहे हैं, इन्फेक्टरी आ रहा है, बेल प्राश के नाम से आ रहा है, कीड़ा चरी टैबलेट्स, जो काफी टाइम से वेट होती है, कीड़ा चरी टैबलेट्स हमारी
लॉन्च हो रही है, उसके अलावा दो तरह के हमारे पैक जो है डायबिटिक पैक और डिटॉक्स पैक, ये पैक्स लॉन्च होने जा रहे हैं। पर्सनल केयर के अंदर माउथ वॉश और बॉडी स्क्रब जो है ये लॉन्च हो रहा है। तो ये सारे हमारे नए कम से 20-25 न्यू प्रोडक्ट्स हमारे जून के महीने लॉन्च हो रहे हैं। तो इस तरह के नए प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती रहती है और लॉन्च करती रहती है, और ये सब प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कंपनी आपके लिए आपको घर में मुहैया करती है। ये तो कंपनी के बारे में, अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, करना क्या है। बहुत सारे लोग नए लोग यहाँ पे आए, सोचोगे यार ये तो बड़ा कुछ बता दिया सर ने, सारी इंडस्ट्री का बता दिया, काफी चीजें बताई, मैं करूं क्या पैसे कमाने के लिए। कितने लोगों का सवाल ये दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या करूं कि मुझे भी 10 लाख रुपए महीना आए, 5 लाख रुपए महीना आए। जिनको आ रहा अच्छी बात है, जिनको भी नए लोग हैं उनके लिए बताओ इस बिजनेस में करना क्या। बहुत सिंपल बिजनेस है, इतना साधारण बिजनेस है कि एक गाँव का छोटा सा कोई कस्बे का आदमी हो, जो बहुत पढ़ा लिखा ना भी हो, वो भी इस बिजनेस में आके लाखों रुपए महीने कमा सकता है। आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ भी हैं, कोई बात नहीं, आप किसी जात धर्म जाति से आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप फीमेल है मेल है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप देखने में काले हैं पतले हैं मोटे हैं जैसे मर्जी हैं, हर आदमी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है। केवल एक ही चीज है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, वो चाहिए अंदर से जोश, अंदर से ये सोच कि मुझे करना है, आई कैन डू इट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बिजनेस प्लान क्या है? बहुत सिंपल प्लान है, इसमें हमने सिर्फ एक चीज करनी है, दुकान को बदलना है, शॉप चेंज करनी है। अभी तक हम लोग रोज सुबह घर का सामान लेके आते, कहां से लेके आते? किराने दुकान से, वहां से हम साबुन लेते हैं, शैंपू लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं। हमने शॉप को बदलना है पहले तो, पहली चीज क्या बनना है, 100% यूजर, कि आज से मैं सारे प्रोडक्ट जो है IMC के ही यूज करूंगा। मैं और मेरी पूरी फैमिली ये प्रतिज्ञा लेती है कि आज के बाद जब तक मैं जीवित हूं मेरे घर में सिर्फ IMC के प्रोडक्ट्स यूज होंगे। हेलो, सिर्फ IMC के प्रोडक्ट्स। चलो आज हम सब लोग प्रतिज्ञा लेते, तैयार है सब लोग? आज के बाद मैं कंपनी IMC के सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल। और जब क्यों आने चाहिए, आज हम बाजार से सामान लेते हैं, लक्स का साबुन लेके आए, घर में इस्तेमाल आए, यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में गारंटी क्या है, 100% आपको सेहत की गारंटी है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये 100% नेचुरल है, 100% आपके सेहत को इम्प्रूव करेंगे, आपको हेल्थी बनाएंगे। दूसरा, इन प्रोडक्ट को आपने अगर यूज करना शुरू कर दिया, इनको रिकमेंड करना शुरू कीजिए, आप शाहरुख खान बन जाइए। कंपनी क्या बोलती है, शाहरुख खान कौन बन जाइए? आप बन जाइए, शोर मचा दीजिए पूरे इंडिया के अंदर कि IMC के प्रोडक्ट्स नंबर वन है। IMC जैसे कंपनी, आज देखो मेरा दोस्त, उसकी शादी थी, उसने मुझसे पूछा यार लुधियाना में, वो राजस्थान का है, क्या लुधियाना में मैंने यार मिठाई लेनी है, कहां से लूं? तो मैंने बोला यहां पर शर्मन एक दुकान है, अच्छी चल रही है, उससे ले ली मिठाई, बहुत अच्छी है। उसने वहां जाके 10 लाख रुपए की ऑर्डर मिठाई का दे दिया, किसके कहने पे? मेरे कहने पे, वो तो राजस्थान से था, उसे क्या पता यार कौन सी मिठाई अच्छा है। उसने मुझसे पूछा, मैंने क्या बोला, फलाने मिठाई वाले से सामान जाके ले आ, उसने जाके सामान ले लिया 10 लाख रुपए का, मुझे कुछ मिला? हेलो, मुझे उसने कभी ने डब्बा भी भेजा मिठाई का दोस्त था ना। यही हम चीजें पूरा दिन करते हैं, फ्री की सलाह, आज से सलाह देना बंद। कोई पूछे बोलो IMC, जो बात हो बोलो IMC, किसी के पेट खराब है IMC, किसी को टूथपेस्ट यूज करनी है IMC, किसी को अपनी हेल्थ को ठीक करना है IMC, किसी को सुंदर बनना है IMC, किसी को पतला होना है IMC, किसी को मोटा होना है IMC, हर चीज में IMC। सलाह सिर्फ एक ही देनी है, क्या देनी है? जब आप सलाह देना शुरू कर देंगे, लोग सामान लेना शुरू कर देंगे, आपके घर में लाखों रुपए आना शुरू हो जाएगा। डरना नहीं है कि यार मैं कैसे करूंगा, मुझे तो पढ़ाई आता नहीं है, मुझे लिखना आता नहीं है, मुझे समझाना आता नहीं है, मैं तो अच्छा स्पीकर नहीं हूं, तो सरप्राइज सब होते ऊपर आके, मैं तो स्पीकर नहीं हूं, मैं कौन सा जब पैदा हुआ था स्पीकिंग वो तो निकला था, मैं भी तो आके समझे था। पांच से आपको ऐसे लोग मिलाऊंगा आज, कोई गोलगप्पे बेच रहा था, गोलगप्पे बेचता हुआ लड़का आज कंपनी में 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ऐसी बहुत सारी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। 20 लाख की इनकम है कंपनी के अंदर, 20 टाइप्स ऑफ इनकम है जो आप कमा सकते हैं, उसको आगे मैं एलैबोरेट करूंगा। और जो मैं प्लान समझा रहा हूं, पहली बार में किसी को समझ नहीं आता है, तो
कोई डरना नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया या कोई आपको समझाएगा, डरना नहीं है। जब लगातार आप 5-7 बार 10 बार को समझेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। जब आप कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करते हैं आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, बीवी क्या मिलती है, अभी सब खुश हो रहे बीवी मिल रही है, उतना पैसा दूसरी बीवी के आने से पैसा खर्चा होता है, ये बीवी आने से पैसा बढ़ जाता है। रिकॉर्डिंग भी करना मेरे घर में भेजना है।